राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में हायर जुडिशरी सर्विस यानी HJS की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म लगभग 15 जनवरी से भरा जाना है और जो लास्ट फरवरी तक चलेगा। एग्ज़ाम लास्ट मार्च या अप्रैल से पहले नहीं संभव है, उसके बाद तो कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन एक संभावना है कि अप्रैल में परीक्षा हो सकती है। तो इसमें क्रैश कोर्स मुझे शुरू करना है। UPHJS की वैकेंसी के लिए क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जाना है। जिन बच्चों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, और उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसकी क्या फीस होगी ये सब आपको बताया जाएगा फ़ोन पर। इसमें ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स शुरू होगा ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोचिंग हमारा बाराबंकी में है। इसमें खास तौर से स्थानीय विधि को यानी लोकल लॉ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोकल लॉ प्रारंभिक परीक्षा में भी है और प्रारंभिक परीक्षा में होने से एक समस्या पैदा करती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे PCSJ की, किसी कारणवश उधर सिलेक्शन नहीं हो पाया है या अभी भी उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है बट एज इधर भी कंप्लीट हो चुका है जो HJS में बैठ सकते हैं, तो वो लोग लोकल लॉ केवल और केवल तब पढ़ते हैं जब मेंस में जाते हैं। इस नाते लोकल लॉ कमज़ोर सब्जेक्ट हो जाता है, लोकल लॉ कमज़ोर हो जाता है और प्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि लगभग 50% लोकल लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर लोकल लॉ आपका गलत हो गया तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मेजर लॉ तो लगभग सभी को आता है। तो खास तौर से इस क्रैश कोर्स में स्थानीय विधि पे विशेष फोकस मैं करूँगा। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके जल्द ही मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, जिससे मैं सही समय पे क्लास का संचालन कर सकूँ। क्लास का जो टाइमिंग होगा वो रात का ही टाइम होगा, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनके लिए दिन में संभव नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन क्रैश कोर्स के साथ ही साथ हमारे यहाँ नोट्स की भी सुविधा उपलब्ध है लोकल लॉ की, तो मेंस के प्रयोजन के लिए अगर किसी बच्चे को नोट्स की आवश्यकता है तो भी इस नंबर पर संपर्क करके उसे प्राप्त करें।